गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, आज तीसरा दिन है गुनपा में। कंटिन्यूस मैं जा रहा हूँ और जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, आज पूजा चल रहा है वहाँ में हबाब दुचिन का, तो उसमें मैं भी शामिल होगा बताया था। तो मैं थोड़ा लेट हो गया उठने में, इसलिए उठा और फ्रेश किया डायरेक्ट यहाँ से, घर से शिस्कटी में जाएगा तो टाइमली पहुँचेगा, फिर गुनपा में जाके मिलते हैं। चलिए बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं गुनपा में आ गया हूँ फिलहाल, आप मेरा पीछे देख सकते हैं। चलो चलो, प्रे के लिए अंदर जाने के रेडी है, सो अंदर जाके मिलते हैं। मैं भी अंदर जाऊंगा आपको और आज का प्रे का पूरा वीडियो बना के दिखाएंगे, ठीक है। एक समय था हम लोग भी इस तरह लाइन बैठ के ही पूजा में अंदर जाता था। Thank you.
दर्शकों, तो गुनपा का अभी जो पूजा पाठ था वो ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट जो है अभी क्या कहते हैं डिनर का प्रोग्राम है, तो डिनर बनाने में मैं भी शामिल होगा, मदद करेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी घुमाने लेके जाऊंगा स्वयंभू और शायद हो सके तो बौदा भी। उसकी बात फिर से मैं गुनपा में आऊँगा और डिनर प्रिपेयर करेगा। और डिनर है स्पेशल, आप गेस कीजिएगा क्या हो सकता है। ठीक है, जानना है तो बने रहिएगा। बाय गाइस, मैंने डिसाइड किया है पहला मैं जाऊँगा बौदा, क्योंकि स्वयंभू यहाँ है। बहुत जाने के बाद भी स्वयंभू मुझे आना ही है, क्योंकि मुझे गुनपा जाना है तो फिर दोबारा, इसलिए बहुत आओ बहुत। चलो बस मिल गया, बस में चलते हैं। बहुत जाएगा वहाँ में परिक्रमा करेगा, थोड़ा तो पिलग्रिमेज करते हैं फिर आते हैं। सब कुछ एक्सपीरियंस करना है। कल और परसों मैंने पठाओ का यूज़ किया और रात को लौटते वक्त टैक्सी का इस्तेमाल किया, आज फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहा हूँ। आपका बौदा चलते हैं, वहाँ जाके पिलग्रिमेज करते हैं, थोड़ा बहुत परिक्रमा करेंगे, घूमेंगे, आपको एक्सप्लोर कराएंगे। उसके बाद फिर से यहाँ आता है स्वयंभू और यहाँ आपको थोड़ा घुमाएगा, देन फाइनली फिर जाएगा मोनास्ट्री और वहाँ में प्रोग्राम होगा। सो मिलते हैं आपको बौदा पहुँच के। तो गाइस फाइनली मैं बौदा आ गया हूँ, बौदा, और फिलहाल रोड क्रॉस करते हैं। यहाँ पे बड़ा रिस्क है यहाँ रोड क्रॉस करना। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, ठोकने वाला है यार। बौदा बौदा और इसके बारे में तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानता होगा। नेपाल में जो आपका टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बोलूं या पिलग्रिमेज के लिए बोलूं, जैसे हम मोटी बारे में नेकोर बोलते हैं ना, तो ये एक बहुत प्रेशर नेकोर के लिए, स्पेशली बुद्धिस्ट के लिए। सो मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बल्कि एटलीस्ट दो तीन परिक्रमा करूँगा, ज़्यादा तीन करूँगा, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं स्वयंभूनाथ के लिए। सो चलिए मेरे साथ आप भी परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा जैसे टिबेटन लैंग्वेज में बोलते हैं कोरा, छुतें कोरा जेबा, गोम्पा कोरा जेबा। और स्पेशली ये क्या है, छुतें, कौन सा छुतें बोले तो बुद्धा छुतें ना, नहीं बौदा छुतें। सो बौदा छुतें बोल सकते हैं। इतना दूर से यहाँ आया है तो एटलीस्ट तीन परिक्रमा, यानी टिबेटन में बोले तो थेमासुम कोरा माजे ना खाएंगे रा, थेमासुम तो कोरा हिंजे मुझे जेगा रा, तीन बार तो कोरा करना बनता है, मतलब परिक्रमा करना बनता है। खास करके तो यहाँ में दिन को बहुत ही रश होता है, सॉरी शाम को बहुत ही रश होते हैं यहाँ पे, लेकिन दिन को कम लोग आते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी है, दूसरा दिन को लोग काम पे जाना होता है, राइट, इसी वजह से लोग कम आते हैं। लेकिन शाम और सवेरे तो बाय गॉडनेस बहुत लोग होते हैं, बहुत। सो गाइस फोटो सेक्शन भी कंप्लीट हुआ, अब मैं जा रहा हूँ स्वयंभू के लिए और आपको मिलता है मैं स्वयंभू जाके। ठीक है, टाइम हो तो स्वयंभू घूमेगा, नहीं है तो मैं डायरेक्टली गुंबा जाऊँगा, क्योंकि वहाँ में डिनर का प्रोग्राम रखा हुआ है। सो वहाँ से मिलते हैं, बाय बाय।